नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वीओ, जब से इंदौर शहर में जमीनों के भाव आसमान छूने लगे हैं, तब से ही लोग जान के दुश्मन बन बैठे हैं। अपना होया पराया जरा सी जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। काहे की रिश्तेदारी और काहे के दोस्त, सबको जमीन की जरूरत है। ऐसा जी मामला फिर देखने में आया, जहां कालो नायजार खुद कह रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी और मेरे बच्चों के भी दुश्मन हो चुके हैं। कल तक जो दोस्त थे, आज खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसा ही मामला हमें देखने में आया। कालो नायजार जफर खान ने आज तक 24 न्यूज की टीम से चर्चा करते हुए बताया कि मुझे जान का खतरा है। कल तक के वो मेरे अपने थी, लेकिन अब दुश्मन बन बैठे हैं। जफर खान ने थाना चंदन नगर और आला अधिकारियों को भी शिकायत की है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस इस शिकायत को किस ढंग से लेती है। ये देखना होगा कि क्या पुलिस कार्यवाही करती है। वैसे देखा जाए तो कालो नायजार जफर खान पर पुलिस ने कार्यवाही की थी, जो लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। आज तक 24 न्यूज टीम से चर्चा करते हुए क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर से सिटी रिपोर्टर जाहिद खान, इंदौर, आज तक 24 न्यूज। ये आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो आए दिन चर्चाओं में रहती है, कहीं ना कहीं जमीनों को लेकर, कहीं कॉलोनियों को लेकर, कहीं गुंडों से परेशान होकर, कई ऐसे इल्जाम इनकी जिंदगी भी लगे, इन्होंने जेल का सफर तय किया और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऑफिस में हम मौजूद हैं। इनका नाम है मोहम्मद जफर खान। आज एक बार फिर ये एक ऐसी चौराहे पर आकर खड़े हैं, जहाँ इनके साथ किसने फ्रॉड किया, किसने इनका नुकसान पहुंचाया और किसने इनको फ़ायदा पहुंचाया। क्यों कि इनका यह कहना, इन्होंने उन लोगों के खिलाफ आवेदन और निवेदन सब करा है, मगर मंजिल तक आज तक नहीं पहुँचे। हम सीधे तौर पर बात करते हैं मोहम्मद जफर खान साहब से कि जफर भाई, इतने दिनों में आपके साथ क्या गुजरा, आप कैसे भाई? खिजरा पार कॉलोनी, हाँ बोलते, जो है 2019 में तीसरे महीने को, 2019 के तीसरे महीने में मैंने सलीम उज्जैन वाले से ले ली थी ये पूरी कॉलोनी। इसके डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, उसके साथ में किसान से भी लिखा पढ़ी हुई थी मेरी, वो भी कागज है मेरे पास में। दो इसी माह, इसी बीच 6 महीने के बाद में मेरे पे अवैध कॉलोनी का 292 धारा के अंतर्गत अवैध कॉलोनी का उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था, तो मैं जेल चला गया था। इसी बीच कोरोना आ गया तो जमानत नहीं हुई, उसमें 28 महीने लग कर मेरे को। जब 28 महीने बाद में वहाँ से बाहर आया तो जेल से बाहर आने के बाद थोड़ा सिस्टम खराब हो जाता है शरीर का भी, तो मेरे को भी हार्ट प्रॉब्लम हो गई। मेरे को 3 स्टेन डले हैं DNS हॉस्पिटल के अंदर, अभी 6 माह हुए तो मैं बेड रेस्ट पे भी था। इसी बीच में सलीम उज्जैनी ने, बल्ला ने, सिद्दीक ने और भी कई लोग हैं, इन्होंने वहाँ जमीन वापस बेचना चालू कर दी, फ्लैट बेचना चालू कर दिया और गरीबों के साथ, गरीबों के पैसे ले रहे हैं और गरीबों को उलझा रहा है, जबकि उनको कोई वो नहीं है, राइज नहीं है। उन्होंने मेरे को 19-3 में मेरे को सारी लिखा पढ़ी करके दे दी है। मेरे को कुछ पैसे सलीम उज्जैनी को भी देना है और किसान को भी देना है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक के सवाल है, आपने कहा आपने 1.5 करोड़ रुपए में ये ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद दूसरे अफराद ने आपसे ज़मीन आपसे बगैर पूछे बेचना शुरू करी, तो क्या आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, क्या आपने उनके खिलाफ कोई आवेदन दिया है? मैंने आज से 15 दिन पहले प्रभात किरण पेपर में बड़ी जाहिर सूचना लगाई थी, वो भी आज उसको 15-16 दिन हो गए उस बात को। मैंने थाने पे भी आवेदन दे रखा है, मैंने अधिकारियों को भी अवगत करा रखा है ये सब मामले से। और अब मैं जो काली प्लाटों पे कल मैं तार फेंसिंग करने गया था तो उसके गुंडे आ गए थे वहाँ पे, मेरे कहने वो वीडियो भी है, बल्ला सिद्दीक सलीम उज्जैनी तो आता नहीं है यहाँ, उससे मोबाइल पे भी वहाँ जिन गरीबों से उसने पैसे लिए उन लोगों ने बात कराई। मैंने उनसे बोला कि सलीम भाई मैं जमीन पे ही खड़ा हूँ, आप भी जमीन पे आ जाओ, इनका मसला हल कर देते। मतलब सीधे तौर पर जिनके ये नाम ले रहे हैं, जहाँ तक हमारे जहन में आता है, कहीं ना कहीं इनके उनसे रिलेशन रहे, काफी वक्त तक ये दोस्त रहे। यूँ कहा जाए कि
कि जब तक के जर लुटाओगे जेर दस्त है दुनिया और हाथ कर खेच कर तजर्बा कर लो कितनी मतलब परस्त है दुनिया। क्या आपके साथ ऐसी कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हम 19 तक हम साथ में ही थे। मेरे जेल जाने के बाद वो अपने रास्ते हो गए, ना मेरा किसी ने साथ दिया ना कुछ करा। जब तक मैं कमा रहा था, इनको कमाई दे रहा था, जब तक सब अच्छा था और मेरी पीठ मोड़ थी, इन्होंने खुद वो मेरी सारी चीजों पे कब्जा कर लिया और उसको बेचना चालू कर दिया। हमें ये भी मालूम है कि अभी अभी आपने कुछ दिनों पहले ही कुछ लोगों के खिलाफ आपने CSP ऑफिस और थाना चंदन नगर में आवेदन दिए हैं। वहीं एक और उनका ये कहना है कि कल तक के हम सब साथ थे मगर अचानक इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ होने के बाद जफर साहब ने इनके खिलाफ आवेदन देना शुरू करे, तो क्या ये जंग ऐसी ही जारी रहेगी या कहीं ये थमने का नाम लेगी? नहीं, ये तो जब ही थमेगी मेरी प्रशासन से गुजारिश है और आप लोगों से, मीडिया के भाइयों से भी ये गुजारिश है कि इसकी जांच करी जाए और जांच करके जो तथ्य सामने आते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पे कार्रवाई हो, वो गलत है तो उन पे कार्रवाई हो, बाकी कार्रवाई हो। क्योंकि मैंने 28 महीने मेरे परिवार से दूर रहा हूँ, कोरोना काल काटा है मेरे परिवार में अकेले ने, और आज ये सब मेरी चीजों पे कब्जा कर रहे हैं तो मैं कैसे छोड़ूं? इनका ये कहना है, इन्होंने जेल का बड़ा तवील सफर तय किया, इतना लंबा सफर तय करने के बाद ये तन्हाई अपने जंग जेल से लड़ते रहे, जिस्मानी हालत भी इनके खराब हुए, इनका कहना स्टैंड भी डाला। वहीं एक और नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद भू माफियाओं का शिकंजा कसा जा रहा है, क्यों ना आप बड़े अधिकारियों तक आप अपनी बात उन तक रखें? थाने के अलावा भी जैसे न्यायालय में जाना हो आप वहाँ न्यायालय जा सकते हैं, तो अभी तक आपके थाने तक ही महदूद है। नहीं, ऊपर भी गया मैं, भोपाल मानव अधिकार आयोग तक भी मैंने शिकायतें कर रखी है। और आप लोगों के और एक चीज डाल दूं कि आज से 4 माह पहले रात को 3 बजे मेरे घर पे हमला हुआ है, वो आपके थाने तक ही महदूद है। नहीं, ऊपर भी गया मैं, भोपाल मानव अधिकार आयोग तक भी मैंने शिकायतें कर रखी है। और आप लोगों के और एक चीज डाल दूं कि आज से 4 माह पहले रात को 3 बजे मेरे घर पे हमला हुआ है, वो उसकी फुटेज भी मैंने थाने पे दे रखी है, वो वीडियो हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं घर पे, उस कैमरे के अंदर भी वो लोग आ चुके हैं। बाकी मेरी जान को भी खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब जो जुबा पर हमारे आने वाला था वो जुबा इनसे निकल गई, यकीनन इनकी जान को खतरा है। तो क्या पुलिस प्रोटेक्शन आने वाले वक्त में मांगेंगे, पुलिस से तहफ़ मांगेंगे? जान का खतरा होना खुल्लम खुल्ला कह रहा है। हम पुलिस प्रशासन से यही तवक्को रखते हैं कि क्या कॉलोनाइजर अगर गलत है तो इन्हें भी सजा दी जाए। मतलब ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो इश्क हो भरपूर होना चाहिए। हमारा आखिरी सवाल कि क्या आने वाले वक्त में अगर बात जान पर बनाए तो क्या पुलिस से प्रोटेक्शन लेंगे? जान की हिफाजत के लिए तो बिल्कुल लेना पड़ेगी, मेरी, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की। मेरे बच्चे स्कूल आते जाते हैं, कल से उनके साथ कोई वो बोलते ही है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल आता जाता और ये रोड हाईवे रोड है और बहुत ट्रैफिक रहता है, बोले ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं जफर भाई आप भी कहीं विवादों में हमेशा रहे हैं, उलझनों में कहीं ना कहीं आपका नाम भी आया है, तो आज भी आप ये नहीं कह सकते कि आप सफेद कलर हुए, आज भी आप पे कई दाग लगे हैं, क्या वो दाग आप धोएंगे आप फिर से? मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मैंने जो चीजें करी मैं उसकी सजा भुगत चुका हूँ। 28 बिल 292 अंतर्गत धारा के अंतर्गत मेरे पे के 5 मुकदमे दर्ज कर हुए थे, 5ों में ट्रायल भी चल रहा है, केस डिसीजन पे भी है और मैं सब जेल भी हो आया हूँ। तो मैंने तो मेरा करा हो गया, बाकी जो लोग मेरे आड़ में मेरे नाम से कर रहे हैं उनका भी तो कुछ होना चाहिए। तो अब आप अगला कदम और अपने बच्चों की जिंदगी को महफूज और अपने परिवार को महफूज किस अंदाज में और कैसे करें? अब हमारे नए मुख्यमंत्री आए हैं प्रदेश के, अब भी उन्होंने कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, पूरी सरकार व्यवस्थित हो जाए, तो मैं मेरे परिवार को और मेरे बच्चों के साथ जाके उनसे
वहाँ कोशिश करूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारी जान माल की हिफाजत की जाए। हमें कई लोगों से इंदौर के बाहर के गुंडों से भी मेरे को जान का खतरा है। आपका नाम? जफर खान। तो आप थे कॉलोनाइजर मोहम्मद जफर खान। हमारे चैनल से क्लियर साफ तौर पर कहा है कि मुझे जान का खतरा है, मेरे बच्चों को भी जान का खतरा है और ये विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक और जफर खान का नाम भी विवादों से जुड़ा रहा। इतना लंबा सफ़र इन्होंने जेल का तय किया और आज ये सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मगर इनके ही दोस्त आस्तीन में जिसे कह लो कि सांप होते हैं, वो इनके साथ ऐसा कहना है कि वो गुजर रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा और हक में फैसला किसके जाएगा, ये वक्त की तह में अभी दफन है। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज इंदौर। जी फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।